the rigga digga ding dong song. A diggy ding 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 diggy digging ding, a diggy ding 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 digga digga ding, a diggy dum 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 digga digga dum, a digga dum 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 dum. A diggy ding 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 diggy digging ding, a diggy ding 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 digga digga ding, a diggy dum 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 digga digga dum, a digga dum 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 dum. A diggy ding 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 diggy digging ding, a diggy ding 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 digga digga तीर्थ नगरी पुष्कर में गुरुवार को सैंट पैनोरोमा निर्माण का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शिलान्यास किया गया। सावित्री माता पहाड़ी की तलहटी में स्थित 3 बीघा पर 2 करोड़ की लागत से बनने वाले भव्य पैनोरोमा का धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत के मुख्य आतिथ्य में भूमि पूजन किया गया। सरकार तार्मिक नगरी पुष्कर स्थित सावित्री माता की तलेटी में 2 करोड़ की लागत से सेन महाराज पनोरमा बनाने जा रही है। गुरुवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत के मुख्य आतिथ्य में सेन पनोरमा की विधिवत आधारशिला रखी गई। इस मौके पर लखावत ने कहा कि सेन महाराज पनोरमा हम सब के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। पनोरमा में सेन महाराज की 5 फीट की मूर्ति होगी। इसके अलावा इसमें सेन महाराज के जीवन से जुड़ी जानकारियों को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, 3D सहित दूसरे माध्यमों से लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्थाएं की जाएगी। संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत ने भी पनोरमा के पास सांस्कृतिक भवन बनाने की घोषणा की। केशकला बोर्ड के अध्यक्ष मोहनलाल मोरवाल ने पनोरमा के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक का आभार व्यक्त किया। राजगढ़ भैरवधाम के उपासक चंपालाल महाराज ने कहा कि पुष्कर में सेन महाराज का पनोरमा बनना गौरव की बात है। ADA के अध्यक्ष शिवशंकर हेरा ने लखावत को बधाई देते हुए उनकी कार्यशैली की जमकर तारीफ की। पालिका अध्यक्ष कमल पाठक ने बताया कि पनोरमा के लिए नगर पालिका ने निशुल्क 3 बीघा जमीन दी है। लखावत ने हाल ही में धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के नवनियुक्त सदस्य कमल प्रकाश कृष्णानी को जिम्मेदारी सौंपी कि वे पनोरमा के कार्य का प्राधिकरण के प्रतिनिधि के रूप में देखभाल करें। प्राधिकरण के CEO टीकम बोरा ने बताया कि सरकार की ओर से यह 4200 पनोरमा बनाया गया है। इससे पहले पंडित कैलाशनाथ दादीज के आचार्यत्व में पनोरमा की आधारशिला रखी गई। सेन समाज की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश भर से सेन समाज के प्रतिनिधि, भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, पार्षद महेश पारासर, भाजपा नेता अरुण वैष्णव, पवन राजगुरु, पूर्व पालिका अध्यक्ष सूरज नारायण पारासर सहित अनेक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। समारोह का संचालन अजमेर नगर निगम के महापौर संपत सांकला ने किया। इस अवसर पर वृक्षारोपण भी किया गया। सैन समाज द्वारा 501 वृक्षारोपण का संकल्प लिया गया। वृक्षारोपण की शुरुआत मसानिया भैरव धाम के उपासक श्री चंपालाल जी महाराज व CEO टीकमचंद बोहरा द्वारा की गई। अपने बजट घोषणा में सैन जी महाराज का पैनोरमा बनाने की घोषणा की थी और हमको अप्रैल माह में इसकी वित्तीय स्वीकृति मिली। हमने सारी टेंडर प्रक्रिया पूरी करके लगभग 2 करोड़ की लागत से यहाँ पर जो नगर पालिका है उन्होंने राज्य सरकार से स्वीकृति लेके हमको 3 बीघा ज़मीन आवंटित की है निःशुल्क और पैनोरमा के निर्माण का काम 2 करोड़ की लागत से यहाँ पूरा होगा। आज उसका नियम भूमि पूजन का कार्यक्रम था और हम निश्चित रूप से इसको समयबद्ध रूप से पूरा करेंगे। सेन जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। हमारा जो भक्ति काल था उस भक्ति काल में पीपा जी है, कबीर है, संत रविदास है, सेन जी महाराज है, धन्ना भगत है, ये इन सबका एक देश के निर्माण में और देश को बचाने में योगदान रहा है। तो निश्चित रूप से पुष्कर जैसे तीर्थ के अंदर जो एक पैनोरमा बनेगा वह यहाँ एक पर्यटन केंद्र भी बनेगा और एक तीर्थाटन का केंद्र भी विकसित हो, इस नाते हमारे प्रयास होगा। अंदर सेन जी महाराज के जीवन से जुड़ी हुई उनकी मूर्ति तो हम गन मेटल में बनाएंगे। एक अच्छी बैठे हुए 5 फीट, कम से कम 5 फीट बैठे हुए की प्रतिमा और उसके अंदर उनके जीवन के, उनके पर्चे की, उनके परवाड़े के बारे में सारा हम 3D, 2D, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी हम उस सबको यहाँ प्रदर्शित करेंगे। आप ये मान के चलो आज चालू किया है, अब काम अमावस्या को जी। आज का दिन सैन समाज के लिए निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। मैं समझता हूँ सर्व समाज के लिए ऐतिहासिक है। सैन जी महाराज ने भक्ति काल में जो आध्यात्म की गंगा बहाई, उसके बाद जो एक मैं समझता हूँ जो भक्ति काल के बाद जो ये धार्मिक जागृति का विकास हुआ है उसके नाते सैन जी महाराज, क्योंकि चूँकि सैन समाज से आते हैं तो सैन समाज के लिए तो आज का दिन इतिहास है। और मैं समझता हूँ पूरे पुष्कर में नहीं, पूरे भारत में सैन जी महाराज के नाम से आज जो ये पैनोरमा बना है, आज दिवाली से बड़ा त्यौहार इसको मान सकते हैं और एक बहुत बड़ी सौगात माननीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय वसुंधरा जी राजे और यहाँ के
प्राधिकरण के अध्यक्ष अवकार सिंह जी लखाव साहब ने दिए, मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कहा जो किया जो वादा किया था कि हम सैन पैनोरमा बनाएंगे और सैन जी महाराज के नाम से एक भव्य स्मारक बनाएंगे, उस वादे को पूरा किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे राजस्थान सैन समाज की ओर से बहुत बहुत आभार करता हूँ। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।